फ्रेंड्स, वेलकम टू नियतिस किचन। नियतिस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप एकदम हलवाई स्टाइल गाढ़ी और एकदम ऐसे कट करके निकले ऐसी दिवाली दही घर पे कैसे बना सकते हैं एकदम हलवाई स्टाइल। मिट्टी के बर्तन हो चाहे स्टील का बर्तन हो, आपकी दही होगी एकदम परफेक्ट जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। साथ ही में मिलने वाले हैं दूध को लेके और इस दही को कैसे बनाना है वो लेकर बहुत ही खास टिप्स। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बार हम देखते हैं जब हम दूध गर्म करते हैं तो तले में जो है दूध वो चिपक जाता है। दूध तले में ना चिपके इसके लिए आप थोड़ा सा मोटा बर्तन लीजिए और मोटे बर्तन लीजिए थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। गैस पर रखिए, हल्का गर्म हो जाए उसके बाद आप उसमें दूध डालिए और गर्म कीजिए। दूध गर्म होते वक्त आपने कई बार देखा होगा आज को कितनी भी धीमी रखिए पर दूध बहने लगता है। उसके लिए बहुत ही अमेजिंग टिप, आप दूध की बारी के ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे या तेल लगा देंगे तो जो आपका दूध है वो बहेगा नहीं जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। मीडियम फ्लेम पर रख के आपको दूध को बॉयल कर लेना है और आप कैसे भी रखिए आज को आपका दूध बिल्कुल बहेगा नहीं। फुल फैट मिल्क लेना है आपको दही बनाने के लिए, इसका आपको ख्याल रखना है। उसके बाद 10 मिनट तक आपको दूध को अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है और दूध को आप छू सके इतना आपको दूध को ठंडा कर लेना है दही बनाने के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर दही ले लेनी है 1 चम्मच, इतनी ज़्यादा खट्टी दही ना हो, ताज़ी दही हो इसका आपको ख्याल रखना है। और 2-3 चम्मच दही डाल के विस्क से या फिर मथनी के हेल्प से आपको अच्छी तरीके से दूध में मिला देना है। अब आप मिट्टी का बर्तन लेके थोड़ा सा तले में दही को डाल दीजिए और इसे फैला दीजिए। अब जो आपका दूध है वो आप इसमें डाल दीजिए। दूध को इसमें डाल देने के बाद आपको एक जाली वाला ढक्कन ले लेना है, पूरा नहीं ढकना है इसका आपको ख्याल रखना है। और ढककर इसको एक तरफ छोड़ देना है दही जमने के लिए। टेम्परेचर नॉर्मल होगा, गर्मी का सीज़न होगा तो दही जल्दी जम जाएगी 4-5 घंटे में, ठंडी का मौसम होगा तो दही जमने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। आपको इसको एक किचन के सेफ कॉर्नर पर रख देना है, फ्रिज के अंदर नहीं रखना है इसका आपको ख्याल रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो मैंने आपको दूध की टिप बताई थी, आप देख सकते हैं हमारा दूध तले में कितना भी बिल्कुल भी नहीं चिपका है, तो है ना बहुत अमेजिंग टिप। तो अब 4-5 घंटे हो चुके हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर हमारी दही कितनी ज़्यादा परफेक्ट जमी है एकदम हलवाई स्टाइल। तो अगर आप मेरे सारे टिप फॉलो करेंगे तो आपके पास भी इसी तरीके की दही जमकर आएगी। अब बात करते हैं कि जब मिट्टी के बर्तन में हम दही जमा लें उसको क्लीनिंग करना, उसको साफ़ करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है, कभी फूक की भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इस बर्तन को क्लीन करने के लिए आप पानी में थोड़ा सोडा डालकर गर्म कर लीजिए, खाना सोडा होता है वो। उसके बाद आपको उस बर्तन के अंदर उस पानी को डालना है और इस तरीके से प्लास्टिक वाला धोने वाला आता है बर्तन उससे आपको इस तरीके से धुल लेना है तो आपका मिट्टी का बर्तन है वो अच्छे तरीके से धुल जाएगा। उसके बाद एक टावल लेकर उसको हम अच्छे तरीके से पोंछ लेंगे, फिर एक ब्रश की हेल्प से या फिर हाथों की हेल्प से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे तो बर्तन ये बिल्कुल सेफ है, ना ये टूटेगा, ना इसमें फूक लगेगी, ना ही ये बर्तन बिल्कुल ख़राब होगा। अब आप इसको साइड में रख दीजिए और जब भी आपको इसमें दही जमानी होगी तब आप इसको एक बार अच्छे से धोकर उसके बाद आप इसमें दही जमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको तुरंत ही इसमें दही जमानी होगी तो आप सिर्फ सोडा और पानी से धुलकर इसको रख दीजिए ताकि आप अगली बार के लिए बर्तन रेडी कर सकें। ऑयल आपको तभी लगाना है जब आपको ज़्यादा टाइम के लिए रखना है। देखा आपने, चाहे मिट्टी का बर्तन हो चाहे स्टील का बर्तन हो, दही बनाना कितना आसान है हलवाई स्टाइल। तो आप भी इस तरीके से घर पर दही ज़रूर बनाइएगा। मेरे साथ अपने फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कोई भी टिप थोड़े से पसंद आए हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए, नए रेसिपीज़ के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप नए नए रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, यूनिक रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ज़रूर से देखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग नियतिस किचन। बाय बाय।